हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। रोहतक से एक बड़ी खबर आ रही थी, देखो किस वक्त की बड़ी खबर का, पुलिस ने सड़कों पर मोर्चा संभाला है। रोहतक से खबर, जहां पुलिस ने मोर्चा संभाला, बेवजह घर से निकलने वालों के चालान काटे हैं और पुलिस सड़कों पर मोर्चा संभाल रही है। बार बार आग्रह करने के बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं और इसीलिए इन लोगों का चालान भी काटा गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस ने सड़कों पर मोर्चा संभाला, बेवजह जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है और पुलिस लगातार लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि उनके लिए ही ये नुकसानदायक है। रोहतक से संवाददाता हर्षवर्धन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, पुलिस ने क्योंकि अब सड़कों पर कमान संभाल लिया है, ये लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं और बेवजह जब सड़कों पर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो पुलिस क्या एक्शन ले रही है अब? देखिए मनीषा, आपको बता दें कि जिस तरीके से बार बार प्रशासन ने आग्रह कर लिया है, पुलिस ने भी आग्रह कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग अपने घरों से निकलने से बाज नहीं आ रहे। बेवजह काम के हैं लोग, घरों से बाहर निकलते हैं और ऐसे में अब जो है पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती जरूर शुरू कर दी है और पुलिस ने अब इन लोगों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं। आप बिल्कुल पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोग जो है सड़कों के ऊपर अभी भी उतरे हुए हैं, लेकिन किसी को भी जो है प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो पुलिस जो है सख्ती का रूप अपनाने को मजबूर हुई है और लोगों के सुबह से ही चालान काटने शुरू कर दिए हैं। जी मनीषा, बिल्कुल हर्षवर्धन, और बाकी तस्वीर कैसी है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कितनी है, क्या कुछ और अपडेट है? देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव के दो केस जो है रोहतक पीजीआई में आए हैं, एक सिरसा से आया है तो दूसरा हिसार से आया है। हालांकि दोनों के दोनों पॉजिटिव पाए गए हैं, पहले सिरसा और हिसार में उनका इलाज चला, जब वहां पर बात नहीं बनी तो दोनों को रोहतक पीजीआई में रेफर कर दिया गया। दूसरी आपको एक बात बता दें कि जो पहले एक महिला जो थी कोरोना पॉजिटिव, उसको इलाज करने के बाद उसको जो है पीजीआई से छुट्टी दे दी गई है, उसको अपने घर भेज दिया गया। फिलहाल दोनों जो ये मरीज है कोरोना पॉजिटिव, इनको आइसोलेशन में रखा गया और इनका इलाज शुरू कर दिया गया है। जी मनीषा, और लॉकडाउन का कितना असर दिख रहा है हर्षवर्धन, लोग इसका कितना पालन कर रहे हैं? ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें बाहर ना निकलने दे, लेकिन खुद अपनी जिम्मेदारियों को लोग कितना समझ रहे हैं? देखिए मनीषा, आपको बता दें लॉकडाउन का असर जो है रोहतक के अंदर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग जो है सुबह ही घरों से निकल जाते हैं। हालांकि बार बार पुलिस जो है सख्ती करने को मजबूर नहीं होना चाहती, लेकिन आखिर में पुलिस को सख्ती पे मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि फिलहाल अभी जो है पुलिस चालान काट करके इनका ये इनको समझा रही है। हालांकि कल एक नई पहल पुलिस ने शुरू की है, गाने बजा करके पुलिस ने लोगों को घर से बाहर ना निकलने की अपील की है कि कोरोना का जो वायरस है वो कहीं भी फैल सकता है, इसलिए आप बेवजह घरों से ना निकले। पुलिस ने हर चौक चौराहों के ऊपर लोगों से अपील